Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve network problem. Is device mein network related problem ko kaise theek kare? Agar aapke Samsung phone mein network signal kam aa raha hai ya SIM card insert karne ke baad wo dikhai nahi de raha hai ya network ekdum nahi aa raha hai. To is video ko pura dekhiye aur in step ko follow kijiye. To sabse pehle hum kuch basic cheezon se shuruaat karenge. Number 1, flight mode. हमारे डिवाइस में फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने से नेटवर्क सिग्नल रिफ्रेश हो जाता है। फ्लाइट मोड ऑन करने के लिए ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप डाउन कीजिए। यहाँ पर आपको फ्लाइट मोड का आइकन दिखाई देगा, इस आइकन पर टैप करना है। कुछ सेकंड के लिए वेट कीजिए और फिर से एरोप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए। इससे आपके फ़ोन का नेटवर्क सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा और नेटवर्क सिग्नल वापस चले आएगा। नंबर 2, रिस्टार्ट। अगर फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो अब अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखिए। कई बार फोन को रिस्टार्ट मारने से नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। रिस्टार्ट करने के लिए ऊपर से स्वाइप करके क्विक पैनल ओपन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको पावर ऑफ करने का लोगो दिखाई देगा, इस पर टैप करते ही पावर ऑफ मेनू चला आएगा। फिर यहाँ से अपना फोन को रिस्टार्ट या स्विच ऑफ कर सकते हैं। नंबर 3, सिम स्लॉट चेंज। अगर रिस्टार्ट करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो अपने फ़ोन से सिम कार्ड निकल कर फिर से इंसर्ट करके देखिए। पीछे बैक कवर ओपन करके सिम स्लॉट को धीरे से निकालिए। उसके बाद एक रबर लेके सिम कार्ड के पीछे जो मेटल हिस्सा है उसे धीरे धीरे साफ कीजिए, क्योंकि कई बार उसके ऊपर रस्ट जमने की वजह से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए रबर से क्लीन कर लेना। आप जो सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में था उसे सिम स्लॉट 2 में डालें और सेकंड सिम को सिम स्लॉट 1 में। दोस्तों, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो गया है। कभी कभी सिम कार्ड भी खराब हो सकते हैं, उस सिम कार्ड को दूसरे मोबाइल में भी लगा के चेक कर सकते हैं। अगर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपका सिम कार्ड रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। अब नियरेस्ट कोई मोबाइल शॉप में जाके आप अपना सिम रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 4, नेटवर्क रिसेट। दोस्तों, अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी नेटवर्क इशू ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपना डिवाइस में पूरा नेटवर्क सिस्टम को रिसेट कर सकते हैं। नेटवर्क रिसेट करने के लिए सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है। नेक्स्ट, जनरल मैनेजमेंट। फिर नीचे नीचे आइए। इसके बाद रीसेट। दोस्तों, यहाँ से ऑल फोन सेटिंग्स, नेटवर्क सेटिंग्स और डिवाइस फॉर्मेट कर सकते हैं। नेटवर्क रीसेट करने के लिए यहाँ रीसेट मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें। इसके बाद रीसेट सेटिंग्स। फिर आपसे कॉन्फर्मेशन पिन मांगेगा। जो पिन या पासवर्ड आपने लॉक स्क्रीन पर सेट करके रखे हैं उसे यहाँ दर्ज करना होगा। इसके बाद कंटिन्यू करें। आर यू श्योर टू रीसेट योर नेटवर्क सेटिंग्स? आप रीसेट पर क्लिक करते ही पूरा नेटवर्क सिस्टम रीसेट हो जाएगा। नंबर 5, सर्विस सेंटर। दोस्तों, अगर आपकी फ़ोन की मदरबोर्ड में नेटवर्क आईसी खराब नहीं हुआ है तो इन चारों तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर डिवाइस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है तो इसके बाद आप अपना फ़ोन को नियरेस्ट कोई सैमसंग की सर्विस सेंटर या मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर ले जाइए, वहाँ से आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।